ये है वो हत्यारी नाव जिसमें थे 14 लोग सवार। ये मामला प्रयागराज का है, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए एक परिवार के 14 लोगों को लेकर जा रही नाव सोमवार शाम मनकामेश्वर मंदिर के पास यमुना नदी में गहरे पानी में पलट गई। नाव पलटने से उसमें सवार नाविक व तीर्थ पुरोहित समेत 16 यात्रियों में से 6 को बचा लिया गया, जबकि 5 लोग के शव बरामद कर लिए गए। कीरगंज पुलिस देर रात 3 यात्रियों की खोजबीन में लगी रही। नाविक और तीर्थ पुरोहित हादसे के बाद फरार हो गए। वही नदी से बाहर निकाले गए सभी घायलों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां 2 की हालत नाजुक है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के कोलबी गांव के रहने वाले एक परिवार के 14 सदस्य प्रयाग में अपने रिश्तेदार के अस्थि विसर्जन को यहां आए थे। यह लोग नागपुर से होते हुए पहले वाराणसी पहुंचे, वहां से सभी सोमवार को प्रयागराज आए थे। हादसे में मरने वाले में राधाबाई, भागाबाई एवं लक्ष्मी हैं, जबकि 2 अन्य शव की शिनाख्त देर रात तक नहीं हो सकी थी। नाव में सवार रहे परिवार के 3 लोगों का देर रात तक पता नहीं चल सका था। हादसे को याद कर सिहर उठी रही थी मीनाक्षी। प्रयागराज नाव हादसे में बाल बाल बची मीनाक्षी 38, पत्नी रोशन पटवार आप बीती सुनाते समय कांप रही थी। उनके चेहरे पर हादसे से उत्पन्न सिहरन को आसानी से पढ़ा जा सकता था। मीनाक्षी ने बताया कि सभी लोग प्रयागराज आकर बेहद खुश थे, कर्मकांड पूरा करके वापस लौट रहे थे। अचानक से नाव 2 मिनट के भीतर पलट गई। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। नदी में गिरते ही उन लोगों ने मदद के लिए चीख पुकार शुरू कर दी, लेकिन आसपास काफ़ी अंधेरा होने से कोई भी मदद के लिए नज़र नहीं आ रहा था। बाहर निकलने के बाद बार बार परिवार के लोग के बारे में पूछ रही थी। उनके साथ मनोहर की भी जान बच गई थी। बाकी लोग की हालत खराब होने से उनको अस्पताल भेजा गया, लेकिन यह दोनों सामान्य थे। हालांकि मौके पर पहुंचे सभी आला अधिकारी और जल पुलिस, जिस नाव पे 14 लोग सवार थे, उस नाव को बड़ी ही मशक्कत से रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला गया। वहाँ पे इस दृश्य को देखने के लिए जमावड़ा लगा हुआ था। जब ये नाव बाहर निकली तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इस नाव में छेद था, इसी कारण ये बड़ा हादसा हुआ। हम यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए आए थे नानी के, और संगम पे जाके अस्थि विसर्जन करके वापस आ रहे थे रूम तरफ। या आते वक्त देखते ही देखते नाव डूब गई। 14 जन, हाँ एक ही है, मैडम थी खाली, और मेरा बुआ थी, बुआ के घर वाले थे, मामा थे, मामा के लड़के थे। अभी सर मैं सबसे मिला भी नहीं, कितने है कितने नहीं मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। अभी हम नांदेड़ है महाराष्ट्र, मेरा नाम मनोहर बैस। ये लोग बेसिकली जो पुलिस को अभी पता लगा है, लातूर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र और नांदेड़ महाराष्ट्र के ये लोग 12 लोग रहने वाले थे, 2 लोग लोकल थे। हाँ ये अस्थि विसर्जन के लिए आए हुए थे। करीबन 4:30 बजे बलुआ घाट से ये लोग, इन लोगों ने नाव की थी, उसके बाद ये संगम गए। संगम में जाकर उन्होंने
पूजा स्नान किया, फिर जब ये लौट रहे थे तो जैसा कि प्रथम दृष्टया ऑब्जर्वर के द्वारा बताया गया, शायद नाव में छेद हो गया, छेद होने के कारण नाव डूबने लग गई और जैसा कि महिला के द्वारा बताया गया, पानी नाव के अंदर एकदम से भरने लग गया और नाव डूबने लग गई। तो अभी पुलिस और प्राइमा फेसिया भी और चीजों को पता कर रही है, इंक्वायरी कर रही है।